देखिए अभी हम गया लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ एक छोटा सा लिट्टी का दुकान है, सभी लोग लिट्टी खा रहे हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं, बैठिए। गया बार एसोसिएशन के पास है लिट्टी दुकान है, वहाँ पर एक दुकान गया बार एसोसिएशन के पास में है, यहाँ लिट्टी दुकान है। लिट्टी दुकान के बगल में वकील साहब हैं। काला कोट किसके तरफ, मोदी के तरफ या राहुल के तरफ? काला कोट किसके तरफ? हाँ, कहने का मतलब है अभी वर्तमान परिस्थिति में। अच्छा, ये खाए इसको क्या बोलते हैं? इसको खेने बोलते हैं। इसे क्या होता है? बस एंटरटेनमेंट होता है, इच्छा किया खाने का खा ली। ठीक है, हाँ बोलिए। अब बताइए कि काला कोट किसके तरफ, राहुल के तरफ कि मोदी के तरफ? अभी वर्तमान परिवेश को देखते हुए मोदी जी का लहर चल रहा है, मोदी की तरफ ही हम लोग हैं। मोदी को वोट दीजिएगा? मोदी को वोट दीजिएगा, एकदम तय है। तय है। तो गया लोकसभा क्षेत्र से विजेता कौन, कुमार सरबजीत या फिर जीतन राम मांझी? गया लोकसभा से दोनों में टसल है, कहा नहीं सकता है कौन जीतेंगे। जीतन राम मांझी का भी चांस बन रहा है और कुमार सरबजीत का भी चांस बन रहा है। यानी कहना बड़ा मुश्किल, टक्कर की लड़ाई है। यहाँ पर लड़ाई टक्कर किस लिए है कि हमेशा गया में लोकसभा जो है सीट रहा है चौधरी और मांझी के हाथ में रहा है। अब बड़ा सौभाग्य की बात कहे लालू जी के या तेजस्वी जी का, जो सरबजीत को आशीर्वाद मिला है तो लोग चेंज करने के प्रयास भी कर रहे हैं। टक्कर की लड़ाई दोनों में रहेगा, कहना मुश्किल है कौन जीतेंगे। अच्छा, हम छोड़ दीजिए मोदी की बात अभी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि दोनों में से, जीतन राम मांझी कुमार सरबजीत में से खैनिया खा लिया के थूके पड़ रहा है। हाँ बोलिए। गया ऊपर छोड़ दीजिए, गया लोकसभा से सबसे काम करिंदे व्यक्ति आपको कौन लगते हैं, कौन नेता लगते हैं, कुमार सरबजीत या जीतन राम मांझी? कुमार सरबजीत तो पहली बार गया में सेवा करने का मौका मिला था उनको, विधानसभा मिला है आपको, बोलिए विधानसभा। विधानसभा में सुन रहे हैं बहुत काम किए, बहुत काम किए हैं। हाँ, वहाँ काम किए, उनका नाम आता है, मानते हैं बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि जब जीतेंगे तो यहाँ भी काम करेंगे क्या लोकसभा? बिल्कुल जीतेंगे तो कहाँ काम करेंगे, गया में चांस मिला है, पहला उनको मौका दिया गया है तो काम तो बिल्कुल करेंगे। विधानसभा में किए हैं तो लोकसभा में भी करेंगे। मतलब आप वोट मोदी के लिए करेंगे है ना, लेकिन नेता पसंद है कुमार सरबजीत? पसंद नहीं है, टक्कर की लड़ाई हो गई है। हाँ। समझे कि नहीं, टक्कर की लड़ाई, कहा नहीं सकता कौन जीतेंगे। अच्छा। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी काम का श्रेय रहा है गया के प्रति, राज के प्रति। सरबजीत जी भी अपना विधानसभा में अच्छा काम किए। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने 9 महीने के लिए तो गया के लिए क्या किए? गया के लिए उनका कहने का मतलब कोर्ट में कुछ उनका श्रेय रहा है, कुछ दिए हैं फंड वगैरह, कोर्ट में बेल करवाया तो चार लोगों को, बोल नहीं करवाया कुछ फंड अपना तरफ से, कुछ काम बिल्डिंग वगैरह में सपोर्ट किए हैं, बनवाई है। अच्छा। तो श्रेय रहा है उनका। जनता का फायदा बताइए ना, वो तो वकील साहब का फायदा हो गया। अब जनता की फायदा है, मुख्यमंत्री थे तो जनता की फायदा ही फायदा ना, कैसे फायदा? गया के लिए, गया के लिए, गया के लिए, गया में पड़ता है उनका महाकार पड़ता है, वहाँ थाना बनवाए, ब्लॉक बनवाए, सारा विकास गया करवे के मात्र 7 महीने आल समय में ही अच्छा विकास करके दिखाए, और समय मिलता तो और उनका जो है कहने का मतलब बहुत सा या डाटा दिया गया था या करेंगे वो करेंगे, लेकिन समय नहीं मिला, नहीं कर पाए। तो गद्दी पर बैठे थे, घर में इंजोर कर लिए? हर कोई घर इंजोर करता है, पहले तो अपना घर देखे, यार इंजोर होना चाहिए था। बिल्कुल इंजोर, अभी तो समय कहाँ मिला। हाँ। उनके पास अल्प समय मिलवे किया था, अल्प समय में अच्छा करके दिखाए। हाँ, उसमें कोई दोराय नहीं। अच्छा, मोदी जी का लहर किस कारण से है, क्या किए हैं मोदी जी? मोदी जी का लहर इसलिए है कि उनका कुछ ऐसा कहने के मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कहने के मतलब पहला उपलब्धि उनका ये है कि जो कहने राम मंदिर की जो लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुस्लिम हमेशा होते रहता था, उनको खत्म करने का प्रयास किए, लड़ाई भी नहीं हुआ, मंदिर बनाने का निर्माण करके पूरे हिंदुस्तान को स्तर पर, हिंदुस्तान के स्तर पर दिखा दिए। ठीक है, दूसरा कहने का मतलब है धारा 370 जो लगा था जम्मू कश्मीर में, वहाँ हटाने का काम किए, वहाँ भी हटवा दें, तो ये सब उपलब्धियाँ कुछ है। अच्छा, एक ठीक है, हम फिर लौट के आएंगे। क्या मोदी लहर अभी देश में है? मोदी लहर एक बनावटी लहर है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ओ माय गॉड, 100% झूठा व्यक्ति है। हाँ। और देश की जनता इनसे तबाह है। इन्होंने गरीबी और बेरोजगारी और शिक्षा चिकित्सा पर कतई ध्यान नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया 370। राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा बेरोजगारों का, क्या मेरा बात ये है? कहना है, क्या बात है वकील साहब? भागे भागे ना, नहीं देंगे वकील साहब आपको मंदिर में रोज, यहाँ मंदिर में। हम ये चीज मानते हैं कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, तो हमारे संविधान में भी कह रखा है कि भारत जो है सर्वधर्म संपन्न रह, बिल्कुल ठीक है ना, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके मोदी यानी कि बीजेपी ने, ORSS ने जनता को दिग्भ्रमित कर रखा है। नहीं कह रहा है कि मोदी जी जीतेंगे वकील साहब? अरे सबकी अपनी अपनी मतलब कि ये राय है या सुधी है, जो कहिए विचार है, लेकिन मेरा विचार जो है
सुनिए मेरा थोड़ा सा हटाइए ना, मेरा जो विचार है या मेरे समाज का जो विचार है, मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूँ और हम लोग बुद्धिजीवियों से आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लायर हैं, मैं लायर हूँ। अब बुद्धिजीवी में हम लोगों को लायरों को सबसे टॉप पर रखा गया है, बिल्कुल सबसे टॉप पर, बिल्कुल। हमको आप दिख भ्रमित नहीं कर सकते हैं मोदी जी, हमें न्याय चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। क्या बात है, न्याय की क्या व्यवस्था है आज कोर्ट में देखा जाए। आज केसेस कोर्ट में इतने पेंडिंग क्यों हैं? क्या कोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं है? कोर्ट में भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा के वकील साहब लेते हैं कि जज साहब लेते हैं? वकील साहब तो अपना फीस लेते हैं बाबू। अच्छा, वकील साहब फीस लेते हैं और जो नीचे से लेके ऊपर तक बैठे हैं सब भ्रष्ट है, निगरानी होनी चाहिए। देखिए हमारा साथ दो वकील हैं, एक मोदी के तरफ हैं, दूसरा महागठबंधन के तरफ हैं। जी आप वकील साहब इनको क्या कहिएगा? ये मोदी के तरफ नहीं है बल्कि राहुल के तरफ है, तो क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, अपना मत है, अपना विचार है, अपना सोच है, अपना। तो आप बताइए ना कि मोदी जी क्या किए हैं देश के लिए ताकि ये वोट करें। तो पहले बता चुके हैं आपको कि उनका तो दो मिसाल कायम है, राम मंदिर का निर्माण किए, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का काम किए। अच्छा एक बात बताइए, राम मंदिर, एक मिनट सर, एक मिनट, हम आपके पास आएंगे, पहले फोन सिलेंड करिए, आप अपना फोन सिलेंड कर लीजिए। ये बताइए राम मंदिर से जनता को क्या फायदा हुआ और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आप कई बीघा जमीन लिए? बताते हैं, राम मंदिर बनने से जनता में ये फायदा हुआ कि अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो वहाँ मिट गई, हमेशा लड़ाई होता था, जैसे ये मिट गई, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं हो रहा है। राम मंदिर के हम बात आप पूछ रहे हैं ना, मैं राम मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा। राम मंदिर निर्माण होने से जो हमेशा वहाँ हिंदू मुस्लिम में राइट होता था, कहने का मतलब कितने लोग मारे जाते थे, वो तो खत्म हो गया करीब करीब, अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और 370 की बात कह रहे हैं, 370 में था कि वहाँ के कहने का मतलब कोई भी अदर स्टेट के लोग नहीं बसता था। जहाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रह सकता है, अपना बिजनेस कमाने खाने के लिए जा सकता है, सेटल कर सकता है, ये दो फायदा हुआ। और क्या जनहित के लिए, जनता के लिए, जनहित के लिए आप देखे रहे हैं कि गैस वगैरह फ्री मिल रहा है, कहने गैस फ्री मिल रहा है? वकील साहब क्या बोल रहे हैं? फंस गए आप, नहीं स्टॉप, यहाँ रुकिए, क्या गैस फ्री मिल रहा है, हाँ या ना? गलत, क्या गैस फ्री मिल रहा है? वकील साहब आपके मुख से निकला हुआ आवाज, आपके मुख से निकला हुआ आवाज दोषी को फांसी पर चढ़वा देगा, आपके मुख से निकला हुआ आवाज दोषी को बरी करवा सकता है। एक मिनट, आपके मुख से निकला हुआ आवाज 302 मर्डर करने वाले व्यक्ति को सीधे बेल करवा करोड़ पर ला सकता है। आप कह रहे हैं गैस फ्री मिल रहा है? वकील साहब आपने गलती बोला कि नहीं, कहिए आप कहिए कि गलती बोले हैं? अनाज की बात कर रहा हूँ, सॉरी गैस नहीं, मैं अनाज की बात कर रहा हूँ। अनाज फ्री मिल रहा है पूरे देश हिंदुस्तान में उनके माध्यम से, गैस नहीं, गैस की बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो गया। जी ये स्थिति इन्होंने बना रखा है, इन्होंने हवाई अड्डों को बेच दिया, इन्होंने रेलवे प्लेटफार्म स्टेशनों को बेच दिया, इन्होंने तेल रिफाइनरियों को बेच दिया, इन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट को बेच दिया, क्या नहीं बेच दिया? क्या कांग्रेस के टाइम में कभी इस तरह का बिक्री हुआ था, बताइए आप? ऐसा हुआ था कभी? क्या रेल बिका था, प्लेन बिका था? किनको से बेच दिए? ब्रिटेन से, देश के ही आदमी। आइए यहाँ, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अच्छा आप कौन है, पहले परिचय दीजिए। मेरा चाय की दुकान है, मेरा चंदन चाय की दुकान है। तो आप भी मोदी जी के आदमी, यहाँ आइए पहले, यहाँ आइए। अरे यहाँ आइए आप, बोलिए। ये ब्रिटेन से बेच दिए, फ्रांस जाके बेच दिए। अच्छा एक मिनट क्या पूछ रहा है? रुकिए, अभी हमारे सर कह रहे हैं कि दे ट्रेन बेच दिए, ये बेच दिए, फलाना बेच दिए, ढकाना। हमको यही कलाम है, किससे बेच दिया आपको, सुने हम? बोलिए, आप बोले देश बेच दिया, किससे बेचा? अडानी अम्बानी कौन है? हमारे देश के एक बहुत बड़ा शक्ति है वो। आज जिस आपका ढोकली में जो मोबाइल है, उससे पहले भैया लेटर पहुँचावे जाते थे। आज मोदी सबका ही मिला जुला है, अपने देश के ही आदमी को दिया गया है। और देश चल रहा, आज देखिए आज रह गई बात बिजली। आज मेरा कहता था कि कांग्रेस के समय में तो 2 रुपये यूनिट था, मानते हैं 2 रुपये यूनिट था, मैं कई घंटा जलता था। आज इस प्राइवेट कर दिया गया सेक्टर, आज फर्स्ट पैसा लिया जा रहा है, मगर आराम देखिए, सुविधा देखिए। आज भैया जानते हैं को लॉकडाउन के समय जब 6 महीना लॉकडाउन लगा था, तो हम लोग सोचे थे फिनिश हो गए, हम लोग गरीब आदमी अब नहीं बचेगा, मगर मोदी का ऐसा रणनीति था कि भाई अनाज हम लोग बेचे हैं जी, खाने से फालतू इतना मिला दथी थी, 10-10 किलो और 2 लाख रुपया दिया है मोदी जी हमको, 2,70,000 मकान बनाने के लिए, दुकान खोलने के लिए 10,000, फिर पैसा की जरूरत था, फोन आया मोदी जी के हाथ से, 20,000 फिर मिला।
कौन दे रहा है? क्या बात है, मोदी दे रहा है हमको। अच्छा वकील साहब अभी बताइए, आप कह दिया कि रेल बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, कहाँ बेचा? भिड़ा के पैसा छीन रहा रेलवे। मोदी के जो दो मोदी कहाँ जा रहे हैं आप? ये चाय वाले हैं और ऊपर बैठा भी चाय वाला है, तो चाय वाले और चाय वाला, ये मोदी चाय वाला जब अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया तो देश को क्या संभालेगा? क्या लेना देना आपको? हमारा घरेलू मैटर से क्या मतलब है? हमारा घर में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब है? सन्यासी है ये, बहरूपिया है ये, सन्यासी और बहरूपिया रह चुका है, देश को बेच के सीधे झोला लेकर के निकल जाएगा विदेश के लिए। विदेश के लिए किसके लिए? देखते रहिएगा। बोलिए बोलिए। आज आज की जो महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी जो चरम सीमा पर है, जो चरम सीमा पर है, क्या इस पर मोदी जी ने कभी ध्यान दिया है? उन्होंने कहा था कि मैं 9 करोड़ नौकरी दूंगा नौजवानों को, उनका 9 करोड़ नौकरी कहाँ गया? उन्होंने कहा था कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या 15 लाख इन्होंने भेजा था? रुक जाइए, क्या है ना, उसको तो जूता खोल के मारे का मन करता। अब सुनिए, मेरे के यहाँ अभी जरा सा टाइल्स लगाने के लिए मिस्त्री घट रहा, ला के दे दे तो जदना टाइल्स दुकान में जाइए, कहेगा फुर्सत ना है। मेरे के यहाँ अभी देखिए सीढ़ी बनाना है, एक मिस्त्री का खोज है, बुला के दे दे तो जरा मान जाए। मेरे के यहाँ अभी चलिए, एक रोजगारी की बात कर रहे हैं, बम्बई में सब रोजगार है, बेरोजगार बेरोजगार कोलिया है, कोई लोग का ही डायलॉग है कि बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी? मोदी जी ला के पैसा दे, इधर आइए, एक मिनट रुकिए, ये चाय वाला है कह रहे हैं कि हम बेरोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है वो कोढ़िया है, बस आप कोढ़िया है, हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के ना सुन मरल चल रहे हो, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े हैं? इंटर फाइनल है, बोल फाइनल है तो काम धंधा कीजिए, कभी करते वर्ते में कीजिए, अरे सब कोढ़िया का चोचल आवाज ये भैया। अच्छा आप पूंजीपति के सरकार हमको होना ही चाहिए। इंटर कब किया था? कब किए थे? 15 में किए थे, 2015 में, 2015 में किए थे। रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। उस समय लोग कहे थे 9 साल हो गया कि मोदी का दीजिए नौकरी मिलेगा, वोट भी दिए समझे, 15 में भी दिए, 19 में भी दिए, और इन्हें सोने मरल चल रहे हैं, ऐसा काम कहे ला करेंगे, बताइए ऐसा थी नहीं है। क्या चला में मोदी जी की नौकरी देवे नहीं किया? कोई रोजगार छोड़िए, डाटा पता है आपको? हमको तो ना पता है, आपको पता है? नौकरी के छोड़िए ना सर, हमको कोई रोजगार होना चाहिए। चलिए आप चलिए, देखिए मेरा दुकान है, मेरा दुकान कवरेज कीजिए भैया, आइए आइए, चलो चलो, कहाँ आपका दुकान है? यहाँ ये रुके भाई साहब, रुके, यहाँ ये मेरा फुटपाथी दुकान है, 400 रुपया उस आदमी को देंगे जो कहता है कि हम बेरोजगार हैं। अबे करे काम कल से, मोड़ सब चक चक कर रहा है, तेरा मोदी चोर है क्या? मोदी कांग्रेस मुमकिन है, सही बात है, मोदी है उसके पास तो कोई योजना ही नहीं था, बेरोजगारी बेरोजगारी चारों तरफ था भैया। और सुनिए, आज हम 8 बरस की उम्र से चाय बेच रहे हैं इसी जगह पर, 1 रुपये कप चाय बेचते थे, तब जानते हैं एक साइकिल खरीदने का औकात हमको नहीं था, आज देखिए 10 साल आने वाला में 10 रुपये कप चाय और सारा जनता पी रहा, कोई महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा, मगर हम लोग गरीब आबाद हो गए। चलिए मेरे कहा दिखाते हैं मकान बनाए जे 10 साल में कमा के, मोदी के देन अपना बल पे किए, मोदी आत्मनिर्भर शुरू से कहते रहा और बनाया पहनने के लिए दे रहे हैं। सर्वोपरि जनता पार्टी है इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का, फिर मोदी जी बैठेंगे, मोदी जी पुनः आ रहे हैं भारी बहुमतों से। देखिए पूरा सड़क जाम लग गया है, मेरे माहौल गर्म है, हट जाइए जाने दीजिए, ट्रैफिक क्या बोल रहे हैं आप? हम तो किनारे में है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? रोड हम साइड में है, तो चलिए हम ज्यादा समय ले लेंगे। JK News 24 के लिए मैं समर राठौर गया से।